आप देख रहे हैं हमारा भारत। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के दो अधिकारियों समेत करीब 15 लोगों को गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वालों के लिए दिए जाने वाले पैसों में धांधली की है। उत्तर प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दुल्हने अपने आप वरमाला पहनती हुई इस वीडियो के सामने आने से पता चला कि उत्तर प्रदेश की सामूहिक विवाह योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले पैसे का बड़े पैमाने पर गबन हो रहा है। इस मामले में दो अफसरों समेत करीब 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 जनवरी को बलिया जिले की मनियार नगर पंचायत में जिन 568 दूल्हा दुल्हनों की शादियां हुई थी उनमें से ज्यादातर फर्जी शादियां थी। अजीब बात यह है कि ये 19 साल का लड़का शादी का समारोह देखने गया था और उसे पैसे देकर कहा गया कि दुल्हा बन जाओ। फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे दो तीन लोग हमको बलिया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे बढ़ जाओ। मालूम नहीं है पैसा मिला आपको जो कहा था? मिला। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। एक और वीडियो में कुछ दूल्हे अपने चेहरे छिपाते नजर आए। कुछ और लड़कियां थी जिसके पति नहीं थे और जो यदि किसी के पति भी थे तो वो अपने वरमाला अपने सर अपने गले में डाल लिए। हमको सुनने में आया कि 500 से लेकर के 2000 रुपये लड़कियां और लड़के खरीद करके ला करके उन लोगों को बैठाया गया। बीजेपी विधायक केतकी सिंह इस सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि थी। चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद फानन में ये क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा रही हूँ। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 51,000 रुपए मिलते हैं जिनमें से 35,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रकम जमा करने से पहले ही ये धांधली पकड़ ली गई। हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवाने का काम किया। उसके खिलाफ हम लोग FIRs दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ भी। जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी जो जोड़ों को पैसा मिलता है अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपए वो नहीं दी जाएगी। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की जांच करने के लिए प्रशासन ने 20 सदस्यों की टीम बनाई है। इसमें यह भी संज्ञान में लाना है कि अभी एक भी पैसे का उसमें कोई भुगतान नहीं हुआ था। एक योजना जिसे आम आदमी के लाभ के लिए बनाया गया उसे कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधिकारी अब इसकी जांच में जुटे हुए हैं और इसकी तह तक जाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ बलिया से करुणा सिंह और लखनऊ से तनिष पंजाबी, NDTV।